ओके अब देखो ये हो गए कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इधर देखिए पहले सब लोग, हरी सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब वैसा है जैसे पहले था, अन्य सेंटेंसेस में था वैसा का वैसा ही है। अब रिपोर्टेड स्पीच जो चेंज हो गई है ये इंट्रोगेटिव में आ गई है, इसमें आ गई है इंट्रोगेटिव में। अगर कोई तुमसे पूछे कि सेट टू की जगह पर जब आस्केट लगता है तो कब लगता है, आस्केट कब लगेगा, तो तुम क्या जवाब दोगे, जब रिपोर्टेड स्पीच किसी वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है तब रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को आस्केट में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखोगे ये बात। अब इसको अब यहाँ पर सेट टू है आस्केट हो जाएगा, केवल अगर सेट हो, केवल सेट हो तब भी आस्केट में होगा। जैसे इससे पहले सेंटेंस में क्या था, सेट टू को टोल्ड में बदलते थे, अब खाली सेट होता था अकेला तो सेट को सेट ही रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सेट हो या सेट टू हो दोनों ही आस्केट में चेंज होंगे। हरी आस्केट बोलो मत, हरी आस्केट मी, अब यहाँ पे दैट भी नहीं आएगा, इफ लगाओ या वेदर लगाओ, तो वेदर में क्या होता है उसकी स्पेलिंग थोड़ी लंबी है, भूल भी सकते हो, इफ की छोटी है तो इफ को याद रखो, आई एफ हो गया इफ। अब ठीक है यहाँ तक हो गया, अब वर्ब क्या है, आर है, यहाँ से आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। अब आर को छोड़ दो, पहले प्रोनाउन को ले लो यू को, यू को किसके साथ चेंज करेंगे, मी के अनुसार, काहे में करेंगे, आई, यू को चेंज करेंगे आई में। अब यहाँ पे आर को किसमें करेंगे, वाज में, क्या करेंगे, इफ आई वाज रीडिंग अ बुक, ये था इंट्रोगेटिव। अब ये किसमें बदल गया है, सिंपल सेंटेंस में हो गया है, किसमें हो गया है, सिंपल सेंटेंस में। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, आई आस्केड हिम इफ कैन, कैन भी एक वर्ब है, ये कौन सा वर्ब, मॉडल वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब में आता है कैन। यू को इसके अनुसार किसमें करेंगे, ही में, इसमें करेंगे ही में। अब कैन को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, कुड, ही कुड टेल, टेल मी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मी को अगर हम यहाँ पे अगर आई में ही होता तो इसमें हो जाता है, यहाँ पे हिम में हो जाता है, क्योंकि ये मी यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोनाउन आई है तो मी का मी रहेगा, ये मी चेंज नहीं होगा। मी व्हाट द टाइम, जो का तो ये पूरे जो का तो रहेंगे, इज का हो जाएगा वाच, बस ये अपना इस तरीके से बनेगा। अब सी सेड टू मी, सी आस्क्ड मी इफ, इतना लिखो। अब देखिए यहाँ पे डू, डू यू नो सोहन, क्या तुम सोहन को जानते हो, क्या तुम सोहन को जानते हो, तो यहाँ पे डू यू नो सोहन, अब यहाँ पर डू लगा हुआ है तो आप क्या पहले इसको चेंज करो, आई, क्या हो जाएगा आई। अब डू है तो डू को हटा दो, डू का डिड मत करो यहाँ पे, डू को बिल्कुल ही हटा दो, और नो को थर्ड सेकेंड फॉर्म में न्यू कर दो, के एन ई डब्ल्यू न्यू सोहन, ये आपका सही हो गया। अब इधर आ जाओ नीचे, नीचे वाला भी वाक्य में डू लगा हुआ बट उसमें नॉट लगा हुआ है, जब डू के साथ में नॉट आती है तो डू को मत हटाओ, तो नहीं हटेगा, तो डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। जैसे पिछली बार मैंने बताया था, ही आस्केड हिम इफ, यू को इसके अनुसार ही में बदलो, डू को इसमें करना है डिड में और नॉट लगा देना है, लाइक जी पा, क्योंकि डू को हमने डिड में चेंज किया है तो लाइक को हम लाइक नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। टी, टी तो जानते हो, टी माने क्या होता, चाय, कुकी पे, ही डिड नॉट लाइक टी। अब ये चार वाक्य हैं, ये वो वाले सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होते हैं, बाकी के जो डब्ल्यू एच वर्ड यानी किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं वो